हेलो एवरीवन, ज्ञान जग के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा ने पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पीजी पाठ्यक्रम, ध्यान रखिएगा, पीजी पाठ्यक्रम चाहे वो एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, एमएसडब्ल्यू हो, मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन के लिए यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल ओपन कर दी है। तो यहाँ आप स्क्रीन पर स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि 28/6/2022 से प्रारंभ की जा रही है। तो यहाँ पर 28/6/2023 से 12/7/2023, ठीक है, तक प्रथम चरण में यहाँ पर देख सकते हैं कि एडमिशन स्टार्ट हो गया है। तो कौन कौन से पाठ्यक्रम, यहाँ आप देख सकते हैं एलएलबी, ठीक है, एलएलबी पाठ्यक्रम के पंजीयन हेतु, साथ ही साथ आपके जितने भी पीजी पाठ्यक्रम हैं उन सभी के लिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है। जो भी कैंडिडेट एडमिशन के लिए इच्छुक होंगे जितने भी पीजी पाठ्यक्रम के लिए, वो क्या करें, वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि सर अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट नहीं आया है, तो कैसे करें, कैसे अप्लाई करें। तो यहाँ पर जिनका रिजल्ट नहीं आया है और जिन सब्जेक्ट के रिजल्ट आ चुके हैं, अभी बीएससी और बीए के रिजल्ट आना बाकी है, बीकॉम का तो रिजल्ट आ चुका है, पर अभी बीएससी और बीए और दूसरे पाठ्यक्रम के फाइनल ईयर का, जो भी फाइनल ईयर का रिजल्ट है, वो अभी तक आया नहीं है, अब कैसे फॉर्म भरेंगे। तो बिल्कुल अभी उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही रिजल्ट आता है उनको 10 दिन का और अतिरिक्त समय दिया जाएगा। 10 दिन का क्या दिया जाएगा, अतिरिक्त समय दिया जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए, उसके बाद वे क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अभी मुझे लगता है मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी ऐसे सब्जेक्ट के लिए जिनका फाइनल ईयर का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, एडमिशन केवल उन्हीं सब्जेक्ट का होगा जिनका फाइनल ईयर का रिजल्ट जारी हो चुका है। क्योंकि अगर अभी उन्होंने, मान लीजिए यहाँ पर 12 तारीख, ठीक है, 12 जुलाई लास्ट डेट है, और 12 जुलाई के बाद 13 जुलाई को क्या करना होता है, मेरिट लिस्ट जारी करना। पर जिन सब्जेक्ट के रिजल्ट अभी नहीं आए हैं उनके मेरिट लिस्ट अभी जारी नहीं होंगे, क्योंकि फिर वैसे कैंडिडेट के साथ अन्याय होगा जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया, क्योंकि वो तो फॉर्म ही नहीं भरेंगे, और फिर उनके उनको अपने मनपसंद सब्जेक्ट और कॉलेज नहीं मिल पाएंगे यदि सीट पहले से फुल हो चुकी होंगी तब। तो इस चीज़ से का बिल्कुल घबराए नहीं विद्यार्थी, आपको बिल्कुल 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा और आपको आपका मनपसंद कॉलेज में ही एडमिशन मिलेगा, इस बात के लिए निश्चिंत रहें। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।